ये आपका पहला चैनल है, तो मैं आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, तो व्हाट इज योर एज भाई? मेरी एज जान के क्या करोगे यार, रील्स क्यों नहीं बनाते आप? अच्छी तो बनाई है पहले वाली, ऐसे वाली फ्लाइट जब ऐसे हुई ना, ऐसे करके जाने लगी, सालों में टिकटॉक ही बैन कर दिया भाई। पीसी स्पेसिफिकेशन ये चार बंदों का क्वेश्चन था, बोलते हैं आपका आईफोन कहाँ गया भाई? उल्टी पे दुखती रख पे हाथ हाथ रखते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हारी? फेवरेट डिश आपकी, ये छोटा सा क्वेश्चन है भाई। मेरी फेवरेट डिश जान के क्या करोगे? खाना लेके आओगे? खाने पे कोई मन्नत? पर मैं पढ़ रहा हूँ हर लम्हे में। ये जो पीछे पोस्टर लगाए हैं ये मोटिवेट, यस गुड क्वेश्चन। आपको यूट्यूबर बनने का आइडिया कहाँ से आया? हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल है सभी के? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड आज का व्लॉग होगा हमारा Q&A व्लॉग, मींस क्वेश्चन आंसर्स, जो हमने पिछले से पिछले हफ्ते पहले बोला था कि पिछले हफ्ते करेंगे, मगर वो खिसकते पहुंच गया आगे। फिर हमने उस दिन बोला कि फिर व्लॉग करेंगे, फिर क्वेश्चन आए, मगर हमने कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी दिन बिजी हो जाता था, तो कभी व्लॉग दूसरा स्टार्ट हो जाता था। आज हमसे व्लॉग बनाने, क्योंकि कल हम थक गए थे। पहले तो अपनी गणपति विसर्जन था, उसके बाद मेरा बर्थडे भी था, तो रात को पार्टी भी थी, तो उसके बाद थोड़ा थक जाता ना बंदा, यू नो। तो फिर आज व्लॉग बना नहीं, दैट्स व्हाई फिर आज हम कर रहे हैं Q&A व्लॉग। और इसी के साथ हम आपसे पूछ लेते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो बढ़िया बात है, लग रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनवाया है, ये लगवाया है, ये चलाया है, समझ रहे हो गरीबी। एंड अभी करते हैं हम अपना Q&A टेस्ट व्लॉग व्हाटएवर दिस इज स्टार्ट, क्योंकि अपने पास अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स तो है नहीं, जितने हैं अपने प्यारे हैं, जो उनके क्वेश्चन हैं उनके रिप्लाई किए जाएँ, क्योंकि अब हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे भी है, स्टैंड है। तो फिर हमने जो क्वेश्चन आंसर थे वो अपने कॉपी पे लिख लिए थे, और किधर गए ये रहे, यहाँ से पढ़ पढ़ के हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर किसी का नाम नहीं आता तो प्लीज़ हमें माफ़ करें, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो मिक्स थे, मगर सेम थे, लाइक जैसे PC सेटअप, व्लॉग सेटअप क्या है, ये कुछ चीजें ना, फिर बार बार फिर रिप्लाई करूंगा यार मैं। दैट्स व्हाई पहला क्वेश्चन जो है रवि जी ने पूछा, ये आपका पहला चैनल है? तो भाई जी ये हमारा पहला चैनल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, वो था गेमिंग चैनल, वो नाम क्या था उसका, गेमर डाकू 97, मगर आफ्टर सम टाइम उसको हमने चेंज कर दिया था, मेरे नाम पे रख दिया था। तो उसमें कुछ हमारे 314 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, वो सिर्फ 3 months चला था बस, दैट्स इट। उसके बाद प्रॉब्लम हुई कुछ ऐसी कि डाल ही नहीं पाए दोबारा, पीसी स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो उसको चाहिए थी स्पेस ज़्यादा, इतनी स्पेस मेरे पास थी ही नहीं, जिस कारण हमको वो चैनल वहीं पे रद्द करना पड़ा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है रिया जी ने, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, तो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स जो हैं कैरी मनाती नहीं, हर्ष बेनीवाल नहीं, कोई भी नहीं, जस्ट थ्री सच्ची में। और ये सारे मोटो ब्लॉगर्स हैं, कोई मतलब वैसे यूट्यूबर नहीं, मेरे को मोटो ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, हमने भी वही करना है, ये तो चलो अभी गाड़ी थोड़ी चलाने के लिए तो ये कर रहे हैं। हमारे हैं की फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, पहले नंबर पे मिस्टर सत्या सागर, द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ माइन, मतलब जिसके लिए हम जान निछावर कर देंगे। और दूसरे बंदे हैं उन्हीं के साथ MSK। तो अपन जो करते हैं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स बूम, वो वाले तो मोहम्मद सलीम खान हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे जुनेजो जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहा, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पाकिस्तान से, यहाँ से नहीं, पाकिस्तान से, मगर भाई मतलब सही है। तो बस ये तीन है
है तो और भी बथेरे, मगर अगर टॉप लिस्ट की बात आए तो मेरे टॉप थ्री फेवरेट यूट्यूबर्स वो है ये मेरी लिस्ट के। व्हाट इज योर एज भाई, मेरी एज जान के क्या करोगे यार, क्या करोगे मेरी एज हो गई है, कल ही हुई है, कल यस्टरडे 24, आई एम 24 इयर्स ओल्ड, 24 साल पुराना हो चुका हूँ मैं, क्या बात है। आपका बर्थडे प्रिया जी ने पूछा है, प्रिया जी बर्थडे अभी आंसर हो गया इसी में कि पिछले कल अपन का बर्थडे था। रील्स क्यों नहीं बनाते आप, अच्छी तो बनाई है पहले वाली। हाँ नाइस क्वेश्चन, रील्स हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर हम रील्स बनाना स्टार्ट कर दे तो नो डाउट हम तो छा जाएंगे, इंस्टा फाट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, रील्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है हमारा। टिकटॉक था, बहुत बढ़िया चला, मतलब जब हमारी को कहते हैं ना ऐसे ऐसे वाली फ्लाइट जब ऐसे हुई ना ऐसे करके जाने लगी, सालों ने टिकटॉक ही बैन कर दिया भाई साहब, मतलब कसम से एकदम ना बूम मिला था हमारे को, हमारे थे 500 फॉलोअर्स थे, 507 फॉलोअर्स थे, और जैसे उन्हें एकदम से बूम किया ना ऐसे करके वो जैसे 1500-1200 पे पहुंचा और व्यूज भी अच्छे खासे आने लग गए, लाइक्स भी, तो भैया जी बैन ही हो गया यार, हमारे दिल पे जो ठोकर बजियां कसम से मर गए हम। और उनमें से भी कुछ 4-5 वीडियोस जो थी, जो टिकटॉक्स वीडियोस थी वो बची थी, वो भी वो तब बची थी क्योंकि हमने सेव करके रखी थी वो एडिट वगैरह करने के लिए, तो वो वीडियो जो बची थी बस वही रह गई हमारे, वो भी पीसी में रह गई, पीसी में वो सेव थी, बाकी तो सब गया वहाँ पे। कम से कम नहीं 500 से ऊपर वीडियो डाल चुके थे हम रोज, हमने दो तीन कई बार तो 10 वीडियो डाल दी, इतना फ्री होते थे हम संडे वाले दिन खास करके। मगर चलो रील्स में ऐसा है कि रील्स के लिए भाई जी क्लैरिटी चाहिए फ़ोन, और वो क्लैरिटी किसमें है, आईफोन अपन के पास नहीं है तो फिर क्या फायदा, स्लो मो ऐसे वाला ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे ऐसे चलने वाले ऐसे थे बंदा ऐसे जा रहा है ऐसे, ये स्लो मो तो ये स्लो मो है ना, जो आईफोन का वो तो आईफोन का, दैट्स व्हाई वी डोंट मेक रील्स, आईफोन चाहिए रील्स के लिए, तो जब बनाएंगे जब आ जाएगा अपने पास, टेंशन ही लेने पे। पीसी स्पेसिफिकेशन ये 4 बंदों का क्वेश्चन था, और हमारी पीसी स्पेसिफिकेशन है कि अपने इस पीसी में राइजन 2600 है जो कि 6 कोर्स पे चलता है, हाँ इसके 6 कोर्स है, बहुत लंबा चौड़ा यार इतना, बाकी आप गूगल कर लेना, अपने अपन को तो इतना पता जब हमने लिया था उस टाइम पे अपन को इन्फॉर्मेशन थी, मगर इस टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस बात को हो चुका है 1.5 साल, नहीं 1 साल हो चुका उसको, तो दिमाग ब्लंट हो चुका है, हाई यस हाई दैट काइंड ऑफ ब्लंट हो चुका है। बाकी अपने पास ग्राफिक कार्ड है GTX G4 1650, भाई अमीरी देख रहे हो, तुम्हारे भाई ने ये भी दिया था कोस्मो 7.1, रंग बिरंगे है, क्या बोलते उसको, हेडफोन्स हेडसेट्स, क्या फायदा, 2 महीने चले उसके बाद चले ही नहीं, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ पीसी के साथ लगते थे और किसी के साथ लग ही नहीं सकते थे, पर नेट भी हम यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, जियो का गेटअवे वाईफाई मैन, और क्या अपने पीसी में, और बाकी सब कुछ तो पुराना ही है, अब इसमें अपग्रेडेशन करनी है 3 चीज़ों की, रैम, हाँ इसमें रैम लगी है अभी 8 GB की क्रॉसवायर की, अभी हमको एक और 8 GB की रैम लगानी है, SSD लगवानी है, और इट्स नॉट मेड फिंगर गाली मत समझ लेना भाई, और तीसरी चीज़ है अपने के पास जो HDD हार्ड ड्राइव होती है उसको थोड़ा एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना है, वो जब हमारे भाई आएगा तो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका आईफोन कहाँ गया है, छाती पे मारो मेरी दुखती रख पे हाथ रखते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हारे, तुम लोगों को आईफोन टूट गया यार, तभी तो ही यहाँ पे पहुंच गए हम, इतना अच्छा आईफोन हुआ करता था हमारे पास, दोबारा बजट ही नहीं बना आईफोन लेने का, पता नहीं कितनी मुश्किलों से मैंने पहले वाला आईफोन लिया था, मगर उस आईफोन ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की,
तो उसको हमने फिर टार नहीं कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और फोन आया था, इसकी हालत आप देखोगे तो चौंका जाओगे, बोहरा जाओगे। ये देखिए, ये था हमारा ओप्पो F7। इसने भी हमारी बहुत हेल्प की, मगर कुदरत के करिश्मे ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि स्क्रीनें अलग हो जाती हैं, तो फिर बंदे को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सर क्या करें, दुख भरी कहानी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका हो गया फेवरेट डिश आपकी, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है भाई। मेरी फेवरेट डिश जान के क्या करोगे, खाना लेके आओगे, खाने पे बुलाओगे, डिनर पे बुलाओगे, लंच पे बुलाओगे, क्या क्वेश्चन पूछते हो यार, ऐवे पूछे जा रहे हो। फेवरेट डिश है मेरी भिंडी पनीर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तो मजबूरियाँ खानी पड़ती है, घर वाले गालियाँ देते, नहीं तो गालियाँ तो अभी पड़ेंगी, घर वाले ब्लॉग्स देखते हैं। हेयर लम्हे भाई साहब, मेरी हैंडराइटिंग इतनी चुम्बेश्वरी है ना कि मेरे को खुद को समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मैंने लिखा है हेयर लंबे हैं कोई मन्नत, पर मैं पढ़ रहा हूँ हर लम्हे में। अगर यही मैं उधर से ना देखता तो मैंने गलती कर दी थी। हाँ, हेयर लंबे हैं इसका कोई मन्नत भाई नहीं, मन्नत कुछ नहीं मांगी हमने। अपना एक जो कहते हैं ना कि अपना शौक है बाल लंबे रखने का, ऐसे गुट्टी सी करके, ये नहीं मेरी गुट्टी, बाल लंबे रखने मेरा थोड़ा शौक है। आई लाइक टू लंबे बाल, लड़कियों वाले बाल नहीं इतने नहीं भाई। अब कई लोग कमेंट करेंगे लड़के, भाई लड़कों के भी शौक होते हैं, जरूरी नहीं कि वो वही हो। लंबे बालों का मतलब ये नहीं होता कि वो ए हो, ऐसा कभी ये कभी नहीं सोचना, ठीक है ना। तो लंबे बालों का कोई राज नहीं है, बस ये मेरी एक सपना है, सपना का एक करना पड़ेगा यार। क्या बोला हुआ यार, कोई मन्नत वन्नत नहीं है, बस मेरा शौक है। अपन को अच्छे लगते हैं लंबे बाल, यहाँ तक, ज्यादा लंबे नहीं यहाँ तक, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा मैं इसको एलैबोरेट नहीं कर सकता। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं नाम तो भूल ही गया मैं, चलो कोई नहीं। अब ये हेयर लंबे वाला एक क्वेश्चन था उनका, दिनेश भाई जी, दिनेश भगत जी, थैंक यू, क्योंकि आप अनोन हो मेरे लिए, आई डोंट नो हु आर यू, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, धन्यवाद। हमारे हाथ जोड़ के यहाँ से जहाँ से भी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर लव, आई आई सर, आई आई कैप्टन। तो ये जो पीछे पोस्टर लगाए हैं, ये मोटिवेट, यस गुड क्वेश्चन, ये जो पोस्टर्स लगे हैं ऊपर भी लगे हैं, यस मोटिवेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है अंदर से आवाज आती है, भाई यार बस कर यार, क्यों कर रहा है तू, मगर आई लव दैट थिंग। ऐसे बंदा मायूस हो जाता ना फिर ऐसे करता है, तो एकदम से ना क्या पे आके ना वो ज्यादातर ये आता है, डू आता है, करो फिर हम करते हैं, दैट्स द पॉइंट। जैसे बचपन में लगा लो या थोड़ा बड़ा होकर, जब हम वो करते थे, हमें टीचर जो होते थे हमारे इंग्लिश वाली टीचर खास करके, वो हमें बोलते थे अगर तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही ना, उसको एक पेपर पे लिख के दीवार पे लगा दो, जहां पर तुम उठते हो सो के, जब सुबह उठोगे तो उसको बस पढ़ना है, तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। थैंक यू मैम, अगर आप कभी ये मेरी वीडियो देखेंगे तो उसके लिए धन्यवाद, सच्ची में ये चीज मेरे बहुत काम आती है आज के टाइम पे। बहुत सारे हैं, तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग क्यों यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यूट्यूबर बनने का आइडिया कहाँ से आया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है धीमान साहब, मतलब इन पंजाबी धीमान साहब, आई डोंट नो हु आर यू, बट फिर भी आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो सर जी ने हमसे पूछा कि धीमन साहब जी ने हमसे पूछा है
कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया। तो भाई जी ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मेरे को 1.5 दिन लग गया इसको ना इसका आंसर देने को, सोचने को ही, क्योंकि ये क्वेश्चन एक मेरे लिए भी था, खुद के लिए भी था कि भाई क्यों वाई। तो एक्चुअली हुआ ये ऐसे कि जब मैं BSc कंप्यूटर साइंस का बच्चा था इन द सेंस कि मैं वहाँ पढ़ता था, मैंने अपनी यहाँ पे प्लस वन प्लस टू BSc कंप्यूटर साइंस सभी मैंने DAV कॉलेज में किया, DAV कॉलेज जालंधर में, और अभी भी मैंने एडमिशन ले लिया पिछले हफ्ते में MSc IT में, DAV कॉलेज में बेबी। ओह माय गॉड, इतना पढ़ेंगे कि पढ़ पढ़ के पढ़ जाएंगे। तो खांसी के लिए सॉरी, अभी हम बात कर रहे थे कि ये आइडिया मेरे को तब आया कि मैं था BSc कंप्यूटर साइंस का बच्चा, और हमारे BSc कंप्यूटर साइंस जो IT का जो डिपार्टमेंट है ना, उनमें होता है हर साल एक फंक्शन, IT डिपार्टमेंट का IT फेस्ट, जिसमें कोरियोग्राफी होती है, स्किट होती है, और भाई तुम्हारा ड्रमेबाज हम छोड़ते नहीं थे, हमारे पास इतने इतनी इतनी थद्दी पड़ी है सर्टिफिकेट्स स्किट की, कोरियोग्राफी कोरियोग्राफी तुम्हारा भाई बनाता था। 3 साल मैंने यहाँ पे कोरियोग्राफी की है, और उसकी स्प्रिट स्प्रिट स्क्रिप्ट किसने लिखी? तुम्हारे भाई ने। 2 बार हम जीत के भी आए हैं, एक बार खालसा कॉलेज जलंधर बस स्टैंड के पास, वहां वहां की कोरियोग्राफी की थी, वो स्क्रिप्ट भी किसने बनवाई थी? मैंने, फर्स्ट आए थे फर्स्ट। तो उसके बाद एक और कॉलेज गए थे, कौन सा कॉलेज था, द्वापर कॉलेज था, पता नहीं कौन सा कॉलेज, कोई कॉलेज था, वहां पे भी गए थे, वहां पे भी हम आए थे, मगर वहां पे सेकंड आए थे, मगर फिर भी सेकंड तो आए थे ना, सेकंड तो आए थे। किसने बनाई थी? माई ने, तुम्हारे भाई ने बनाई थी। तो फिर जो ड्रामेबाजी का शौक था, तो बस करते 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 जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि लोग ये कर रहे हैं, तो मैंने बोला भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, अपन आए, अपन को प्यार मिला, पिछले चैनल पे बहुत प्यार मिला यार, फिर अब वहां जा नहीं सकते तो फिर हम इधर को आ गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माणिक भल्ला जी, ये हमारे वैसे दोस्त हैं, थैंक यू ब्रो ब्रो थैंक यू ब्रो, मगर ये हमारे दोस्त इटली चले गए। आपने डिस्क्रिप्शन, अच्छा भाई साहब इनके क्वेश्चन बड़े उल्टे पुल्टे होते हैं, हम इसका जवाब नहीं देंगे वैसे, मगर क्वेश्चन ये है कि भाई तूने डिस्क्रिप्शन में लिखा था मोटो व्लॉग करेगा, मेरे को बोलना भी था मोटो व्लॉग करेगा, क्यों नहीं कर रहा भाई? तू इटली में है, तेरे पास पैसा है, अपने पास पैसा नहीं है। वी हैव नॉट मनी, नॉट मनी, मनी भाई, मनी भाई, मनी भाई, बहुत कुछ चाहिए, करेंगे डेफिनेटली करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, करेंगे, नो प्रॉब्लम, करेंगे, वी टू मैन, एक दिन ऐसा आएगा हर बच्चा हमको बुलाएगा, भैया जी भैया जी भैया जी, हम जाएगा, हम बोलेगा या ब्रो टेल मी, तो मजा आएगा यार, जब भी जाएंगे करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसा यूट्यूबर जिस जो आपका रोल मॉडल है भाई? सत्यासागर, सत्यासागर इज द बेस्ट पर्सन आई एवर सी मैन, मतलब वो बंदा ना रूह को टच करता है ऐसे, धम करके कहीं भी जाएगा, मोटो व्लॉग करेगा, मतलब आउटस्टैंडिंग बंदा भाई साहब, आउटस्टैंडिंग बंदा सत्यासागर, आई लव यू। जब कभी भी मौका मिले, मैं विश करता हूँ कई बार के इंटरेक्शन हो कभी, मगर कहाँ होएगा, फिर भी सत्यसागर इज द बेस्ट, ही इज द चीता मैन, उसको मैं रिलेट कर सकता हूँ अपने आप, बॉडी दाढ़ी मूंछ बाल, टाइम आएगा मिलेंगे सर आप। और लास्ट, तो जैसे कि यार अपना लास्ट क्वेश्चंस, आप रोज व्लॉग डालते हो फिर भी आपका चैनल करो क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, तब तक कभी नहीं पता, होएगा एक दिन, जरूर होएगा एक दिन, ऐसा आएगा अपना व्लॉग चैनल पूरी दुनिया पे छा जाएगा, आपकी सपोर्ट चाहिए बस, आपका प्यार।
अभी स्पोर्ट हिल जाती आपकी, जस्ट आपकी स्पोर्ट चाहिए और दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए भाई। देखो वीडियोस को, अच्छी लगती है सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। अपन नहीं बोलता यार ज्यादा, आज बोल रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की Q&A है तो दैट्स व्हाई, तो बोलना पड़ना था, इसलिए शायद मैं पहले Q&A वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना पड़ना था और उससे मैं थोड़ा कतराता, मगर अगर कतराएंगे तो कैसे आगे जाएंगे, अब हम कतराएंगे नहीं और वीडियो रोज बनाएंगे और यहाँ पे आके पाएंगे। यार व्लॉग्स में चाहे रोज के रोज डाल दूं, रोज के मैं चार डाल दूं, प्रॉब्लम ये है कि लोग देखने वाले होने चाहिए ना, आप हो, आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो मेरे व्लॉग्स मेरे देखते हैं, अच्छी बात है ठीक है। अब कई और बंदे आते हैं देखते हैं स्किप करते हैं चल जाते हैं, अब उन्होंने तो देख ली, अभी देखो भी पता नहीं होता भाई, कई वीडियोस में ऐसा होता कि 1.5 मिनट थोड़ा ठीक ठाक होता, मगर उससे आगे जब वो लहर चलती है ना, वो ग्राफ चढ़ता है, तो फिर वो चढ़ता ही जाता है। इंजॉय इंजॉय फनी खत्म मजा टाटा बाय बाय गुड बाय, वो वाला मजा आ जाता है, मगर लोग जस्ट इतना देखते हैं कि इतने से पार्ट में क्या है और बस दैट्स व्हाट, ऐसे नहीं होता यार, थोड़ी वीडियो देखो लंबी पूरी देखो मजा आएगा यार, मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ हम कंटेंट अपना अपनी तरफ से अच्छा डालते हैं ठीक है, जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं, आगे क्या होता है तो फिर वो आप बताओगे, हमें फीडबैक दोगे तभी हम कुछ करेंगे ना, पॉइंट समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो ठीक है फिर आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे एंड, फिर मिलेंगे अपने कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सेफ रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, बस दैट्स इट, बाय ठाड़ा, फिर मिलेंगे चलते चलते चलते।